साल 2024 में आईपीएल के लिए आरसीबी ने बदला अपना आधा स्क्वाड, क्या खत्म कर पाएगी ट्रॉफी का सूखा, जानिए टीम की ताकत और कमजोरी, फाइनल में जाने के कितने हैं चांस, बताएंगे आपको आगे वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगामी आईपीएल सीजन का आगाज मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। सभी फ्रेंचाइजी ने इस बार मिनी ऑक्शन में भी बचे हुए खिलाड़ियों को स्लॉट भर लिया है। वहीं 16 साल से आईपीएल ट्रॉफी को कभी न अपने नाम करने वाली आरसीबी ने इस बार मिनी ऑक्शन में जमकर पैसों की बारिश करते हुए कई स्टार खिलाड़ियों को अपने खेमे का हिस्सा बनाया। इस लेख में आरसीबी की ताकत, कमजोरी और संभावित प्लेइंग 11 पर प्रकाश डालेंगे। आईपीएल 2024 के आरसीबी स्क्वाड पर नजर डालें तो टीम के पास एक से बढ़कर एक स्टार बल्लेबाज मौजूद है। ओपनिंग पेयर में विराट कोहली के अलावा ताबड़तोड़ बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। इसके अलावा मध्य क्रम में कैमरन ग्रीन के अलावा ग्लेन मैक्सवेल भी हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास मोहम्मद सिराज, लॉगी फर्गुसन और अल्जारी जोसफ जैसे स्टार गेंदबाज मौजूद हैं। ऐसे में आरसीबी अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी यूनिट में काफी आगे दिखाई देती है। आरसीबी की कमजोरी पर नजर डाली जाए तो टीम के पास एक भी फिरकी गेंदबाज नहीं है। आईपीएल 2024 ऑक्शन में आरसीबी को स्टार फिरकी गेंदबाज शामिल करना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट ने स्पिन गेंदबाजों को नहीं बल्कि तेज गेंदबाजों को अपने दल का हिस्सा बनाया। स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास मयंक अग्रवाल, करण शर्मा के अलावा ग्लेन मैक्सवेल जैसे औसतन गेंदबाज मौजूद हैं। ऐसे में टीम को स्पिन गेंदबाजी की कमी खल सकती है। आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की रेस में आरसीबी इस बार काफी पीछे दिखाई दे रही है। बता दें कि आरसीबी अपने ज्यादातर मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी। इस मैदान पर तेज गेंदबाज अधिक रन लुटाते हैं, वहीं स्पिन गेंदबाजों को इस मैदान पर कुछ हद से ज्यादा मदद मिलती है। ऐसे में टीम के पास स्पिन डिपार्टमेंट काफी कमजोर है, इस लिहाज से आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। आईपीएल 2024 में आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। फाफ डुप्लेसी कप्तान, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, महिपाल लैमरोट, दिनेश कार्तिक, मयंक डागार, अल्जारी जोसफ, मोहम्मद सिराज, अनुज रावत, वयस्क विजय कुमार। दोस्तों, स्पिन डिपार्टमेंट में आरसीबी के लिए कौन सा खिलाड़ी और होना चाहिए था, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।